हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था हमारा 200 वाट का इन्वर्टर, जिसका हमने रिव्यू किया था, उसकी अनबॉक्सिंग की थी। हमने बात की थी कि इस इन्वर्टर के बारे में क्या क्या है। अगर आपको याद होगा तो मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे इसके पहले, जो कि हमारा 200 वाट का इन्वर्टर है, जो कि 12 वोल्ट अपलोड होता है, 12 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्ट एसी देख सकते हैं आप। ये इन्वर्टर का हमने रिव्यू किया था और फ्रेंड हमने बताया था कि इसके इन्वर्टर के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या फीचर देखने मिलते हैं। और एक वीडियो में हमने इसको बताया था इसके अंदर क्या होता है, हमने इसकी सर्किट बताई थी आपको ओपन करके, वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो। तो गाइज़, आज का वीडियो टोटल डिफरेंट है। तो गाइज़, आप देख सकते हो मेरे सामने कुछ लोड रखे हैं आपके, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम इस 200 वाट के इन्वर्टर के ऊपर ये लोड टेस्ट करने वाले हैं कि हम देखने वाले हैं कि जो हमारा 200 वाट का इन्वर्टर है ये कितना लोड ले पाता है, मैक्सिमम कितना लोड ले पाता है और हम इसे कितने देर चला सकते हैं। क्योंकि आप सब लोग बहुत बार मुझे इंस्टाग्राम पर कह रहे थे कि मोस्टली इन्वर्टर हम ले लेंगे पर क्या क्या चला पाएगा, क्या क्या नहीं चला पाएगा, इंडक्टिव कंडक्टर जैसे तीन लोड चला पाएगा या नहीं चला पाएगा, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना एंड तक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये हमारा 200 वाट का लोड, इसको मैंने कई बार मेरे वीडियो में बता चुका हूँ फ्रेंड। ये जो होता है हमारा टंगस्टन बल्ब फ्रेंड, ये हमारे कैटेगरी में आता है फ्रेंड। ये होता है हमारा इंडक्टिव लोड, ठीक है फ्रेंड। मेरे पास यहाँ पर तीनों लोड रखे, इंडक्टिव, कंडक्टिव और रेजिस्टिव, आपको तीनों लोड चला के बताऊँगा। तो मेरे पास यहाँ पर तीनों लोड रखे फिर इंडक्टिव, कंडक्टिव, रेजिस्टिव, बताए तो आपको कौन से लोड मेरे पास रखे हैं। तो सबसे पहला लोड जो मेरे पास रखा है फ्रेंड, वो है मेरा रेजिस्टिव लोड फ्रेंड। इंडक्टिव, कंडक्टिव, रेजिस्टिव तीन लोड होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा बल्ब होता है फ्रेंड, जो हमारा टंगस्टन बल्ब होता है, जिसके अंदर हमारा एक फिलामेंट होता है टंगस्टन की, आप देख सकते हो फ्रेंड। इसका मैकेनिज्म ऐसा होता है फ्रेंड, जब भी इसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो फ्रेंड जो है टंगस्टन होगा फ्रेंड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है फ्रेंड, इसीलिए फ्रेंड ग्लो करता है, मतलब फ्रेंड हीट के फॉर्म में ग्लो करता है, इसलिए फ्रेंड हम इसको रेजिस्टिव लोड कहते हैं। सेकंड हम बात करें फ्रेंड, ये जो हमारा लाइट बल्ब होता है फिर देख सकते हैं, जो हम हमारे घर में जो एलईडी बल्ब होता है फ्रेंड, इसको हम कहते हैं कंडक्टिव लोड, क्योंकि फ्रेंड इसके अंदर हमारा SMPS सप्लाई होता है, SMPS से फ्रेंड इसको हम एलईडी को पावर करते हैं। तो फ्रेंड ये होता है हमारा कंडक्टिव लोड, जो कि आपको पता है मोबाइल चार्जर, TVs जो भी नए नए हैं आजकल, और फ्रेंड जितने भी जिनमें SMPS सर्किट है वो हमारा कंडक्टिव लोड होता है, तो आपको बता दिया मैंने। और फ्रेंड लास्ट जो सबका मेन होता है फ्रेंड, जो सब कमेंट करते हैं बार बार ये चल पाए नहीं चल पाएगा फ्रेंड, ये देख सकते हो फ्रेंड, फ्रेंड ये एक मिक्सर ग्राइंडर है फ्रेंड, देखते हैंड ब्लेंडर इसे हम कहते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड ये हमारा ओनली और ओनली AC पे चलता है फ्रेंड, 220 वाट AC पे चलता है फ्रेंड ये। और फ्रेंड इसके अंदर जो होता है फ्रेंड, हमारी इंडक्शन मोटर होती है फ्रेंड, जो कि फ्रेंड सिर्फ और सिर्फ हमारी AC लोड पे चल सकती है। तो फ्रेंड ये होता है हमारा इंडक्टिव लोड फ्रेंड। जिस भी लोड के अंदर हमारा मतलब वाइंडिंग्स हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, जिसमें हमारा आर्मेचर हो फ्रेंड, उसको हम कहते हैं इंडक्टिव लोड। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं तीन लोड हो चुके हैं फ्रेंड, फ्रेंड फैन हो गया, हमारी वॉशिंग मशीन, फ्रेंड हमारा मिक्सर ग्राइंडर, ये हैंड ब्लेंडर, जितने फ्रेंड जिनमें वाइंडिंग है, जिनमें मोटर है फ्रेंड, वो हमारा सारा फ्रेंड इंडक्टिव लोड होते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये इंडक्टिव, कंडक्टिव और रेजिस्टिव में तीन लोड रखे फ्रेंड, मैं तीन लोड बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम फ्रेंड स्टार्ट करेंगे, हम कंडक्टिव लोड स्टार्ट करेंगे, कंडक्टिव फिर हम देखेंगे रेजिस्टिव, फिर देखेंगे हम इंडक्टिव। सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देखिए फ्रेंड, सबसे पहले ये जो इन्वर्टर है इसके अंदर आपको एक केबल दिखने मिलेगी, जो हम साथ आपको प्रोवाइड करेंगे, तो ये देख सकते हैं। और ये हमारे केबल होगी, जो हमारे एलिगेटर क्लिप्स होंगे, जो आपको इसमें कनेक्ट करना है, मैं आपको कनेक्ट कर बताऊंगा। और सबसे फ्रेंड, अगर आपको इन्वर्टर बाय करना है तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, आप वहाँ जाकर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको दो मॉडल मिलेंगे फ्रेंड, एक होगा हमारा 200 वाट जो यहाँ पर नीचे रखा है, और फिर एक होगा 1000 वाट। इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा लोड टेस्ट कर देखने वाले हैं, तो अगली बार वीडियो आएगी फ्रेंड। तो फ्रेंड दोनों इन्वर्टर आपको मिल जाएंगे, 200 वाट एंड 1000 वाट। सबसे पहले बता दो मैं यहाँ पर बैटरी कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ मैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक 32 एम्पीयर की बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि लियोगार्ड कंपनी की जो कार बैटरी है फ्रेंड। इसके ऊपर आप कोई बैटरी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड, चाहे वो 7 एम्पीयर से लेकर 200 एम्पीयर जो बड़ी बैटरी आती है इन्वर्टर की, आप इसके अंदर वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फिलहाल ये बैटरी अवेलेबल है, जो कि 32 एम्पीयर की है, और मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड। और बताओ आपको, मैंने इसका थोड़ी मॉडिफिकेशन की है फ्रेंड, देख सकते हो मैंने इसके जो टर्मिनल होते हैं फ्रेंड, वहाँ से मैंने एक्सट्री कनेक्टर ज्वाइन कर लिया है, ताकि जब मुझे जरूरत पड़ सके फ्रेंड डायरेक्टली मैं इसके अंदर मैंने ऐसा केबल बना लिया है। देखिए जो ये हमारा इसका एंड पॉइंट, ये हमारे इन्वर्टर में कनेक्ट हो जाएगा, और फिर मैंने इसके इनपुट में हमारा एक्सट्री कनेक्टर का पोर्ट ये कर लिया। जैसे फ्रेंड इसके अंदर हम प्लग इन करेंगे फ्रेंड, जैसे ये तुरंत हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं इसको यहाँ रखता हूँ, और फ्रेंड हम अभी इन्वर्टर को हमारा ऑन करेंगे। सबसे पहले हम जो हमारा को एलिगेटर क्लिप साथ में से प्रोवाइड की गई है, हम उससे ऑन कर देखते हैं। देखिए फ्रेंड, आपको साथ में इसके एलिगेटर क्लिप्स मिलेगी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इसको इन्वर्टर को बस टिल डाउन करना है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको दो सॉकेट देखने मिलेगी, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। देखिए यहाँ पर लिखा भी है नेगेटिव पॉजिटिव का, तो हम इसको नेगेटिव को खोलेंगे सबसे पहले। और जो आपको यहाँ पर ब्लैक वायर दिख रहा है, जो हमारा नेगेटिव वायर है, इसको हम इसमें कनेक्ट कर देंगे बहुत ईजिली। बस आपको इसको खोलना है हाथ से, और जैसे आप इसको रोटेट करोगे ईजिली खुल जाएगा, और आपको इसको टाइटली बंद कर देना है। देखिए मैंने इसको टाइटली बंद कर दिया है, और सेम हमको रेड के साथ में करना है। हम ये रेड के वाले प्रोब को लेंगे, हम इसको भी यहाँ से खोलेंगे,
और हम इसको इसके अंदर लगा देंगे। फ्रेंड आपको कनेक्शन बहुत ज़्यादा टाइटली करना है, क्योंकि फ्रेंड शॉर्ट सर्किट का चांस होना नहीं चाहिए। फ्रेंड अगर आपका वायर लूज रह गया तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकती है, इसलिए आपको वायर एकदम टाइटली फिक्स करना है ताकि कोई शॉर्ट सर्किट का चांस हो ही ना। अब देखिए फ्रेंड हमारा जो इन्वर्टर है वो यूज़ करने रेडी है बिल्कुल। बस आपको हमको काम करना है, देखिए हमको यहाँ पर दो टर्मिनल देखने मिलेंगे, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। बस आपको बैटरी की तरफ प्रॉपरली देखकर पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना है। देखिए मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा, मैं यहाँ पर पॉजिटिव कनेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। कनेक्शन हो चुका है फ्रेंड, और देखिए जैसे ही यहाँ पर आपको बटन मिलेगा, जैसे मैं इसको ऑन करूँगा हमारा इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। आप देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारी LED ग्लो कर चुकी है पावर की, मैं आपको दिखा दूँ एक बार क्लोजली। देखिए पावर के लिए ग्लो कर चुका है और हमारा जो फैन है वो भी ऑन हो चुका है। अब देखिए सबसे पहले जो हम लोड चलाने वाले हैं वो है हमारा कंडक्टर लोड चलाने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं लाइट बल्ब दूँ, देखिए जो कि हमारा 9 वैट का लाइट बल्ब है, ठीक है। आप इसके अंदर 200 वैट तक का लोड इजीली चला सकते हो। देखिए यहाँ पर 9 वैट लिखा भी है, मैं इसमें इसको कनेक्ट करता हूँ और मैं लाइट यहाँ रखूँगा फिर चाहे आपको, ताकि आपको दिख जाए। सबसे पहले मैं इसका स्विच ऑफ करूँगा और मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगा, यहाँ पर आपको इसे होकर देखने मिलेगा। और जैसे मैं बटन ऑन करूँगा देखिए लाइट ग्लो होना शुरू हो जाएगा, वही फुल ब्राइटनेस है। देखिए फ्रेंड हमारा जो 9 वाट का लाइट बल्ब है वो फुल ब्राइटनेस हमें ग्लो कर रहा है, मतलब हमारा जो कंडक्ट लोड था फ्रेंड वो इसमें पास हो चुका है, मतलब इसमें हम कंडक्ट लोड चला सकते हैं। अब मैं इसको बंद करता हूँ फ्रेंड, और अब मैं इसके अंदर दूसरा लोड लगाऊंगा जो कि हमारा रेजिस्टिव लोड। देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा लोड है रेजिस्टिव। अब मैं बताता हूँ लाइट बल्ब फ्रेंड ये 200 वाट का है, अगर आपको दिख रहा होगा तो देखिए इनकैंडेसेंट बल्ब हमारा 200 वाट का बल्ब है। और मैं इसको इसके अंदर ग्लो लगाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ आपको दिख जाए। और देखिए मैं जैसे स्विच ऑन करूँगा ये ग्लो हो जाएगा, देखिए फ्रेंड फुल ब्राइटनेस के साथ में 200 वाट का इन्वर्टर है और 200 वाट का लोड इसने इजीली खींच लिया है बिना कोई दिक्कत के, ना कोई ज़्यादा नॉइस, बिल्कुल आराम से फैन चल रहा है, सब कुछ इजीली चल रहा है। देखिए फुल ब्राइटनेस के साथ में 200 वाट लाइट ग्लो कर रहा है बिना कोई दिक्कत के, मतलब फ्रेंड इसने रेजिस्टर लोड भी पास कर दिया और ये रेजिस्टर लोड भी चला सकता है। अब फ्रेंड हम अगले लोड की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा इंडक्टिव लोड। मैं इसे बंद करता हूँ, देखिए फ्रेंड ये बहुत गर्म हो चुका है, मैं इसे साइड में रखता हूँ। और फ्रेंड सबसे मेन जो हमारा लोड है आज का, जिसके लिए आप सब लोग वीडियो देख रहे हो फ्रेंड, वो है हमारा इंडक्टिव लोड, मतलब हमारा सीलिंग फैन जो भी वॉशिंग मशीन मोटर की चीज़ें होती है वो लोड चला पाते चला आपको देखते हैं। मैं बताऊँ तो फ्रेंड ये हमारे हैंड ब्लेंडर है जो कि 250 वैट का है फ्रेंड, 250 वैट का ये मतलब ये ब्लेंडर है फ्रेंड जिसको हम चला के देखने वाले हैं। इसका स्टिकर यहाँ से हट चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना है, लेकिन फ्रेंड 250 वैट्स का है, आप नेट पर चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड अब इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ और देखिए सबसे पहले जो हमें इसका पोर्ट देखने मिलता है हम इसका लगाएंगे। फ्रेंड मैं बता दूँ ये जो इन्वर्टर है फ्रेंड हमारा इन्वर्टर पीक लोड ले सकता है 400 वैट और कंटिन्यूस 200 वैट ले सकता है, मतलब फ्रेंड अगर आपको इसको मतलब बहुत देर चलाना है, मतलब 20-22 एक दिन पूरा कंटिन्यू चलाना है फ्रेंड आपको, तो इसके आप 200 वैट लोड डाल सकते हो। और फ्रेंड आपको कुछ देर के लिए बहुत ज़्यादा लोड चलाना है, मतलब 400 वैट लोड चलाना है, तो फ्रेंड वो भी चला पाएगा, ये इन्वर्टर इतना पावरफुल है। अब देखिए मैं इसके अंदर कनेक्ट करता हूँ इसको, देखिए मैंने इसकी इसमें इनपुट डाल दिया और मैं यहाँ से बटन फ्रेंड इसका ऑन करता हूँ। देखिए फ्रेंड इन्वर्टर हमारा ऑन हो चुका है। अब हमारे ब्लेंडर के अंदर आपको दिख रहा है शायद फ्रेम में नहीं आ पा रहा है फ्रेंड ये, लेकिन देखिए हमारे ब्लेंडर के अंदर हमको दो मोड देखने मिल रहे हैं, एक और दो। सबसे पहले हम फर्स्ट पे ट्राई करेंगे, देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इसको फर्स्ट पे ट्राई किया, देखिए फ्रेंड ने फुल मतलब RPM पे फ्रेंड ये रोटेट कर रहा है। देखिए फ्रेंड फर्स्ट मोड पर इसने इसे रोटेट कर लिया, इन्वर्टर में कोई ज़्यादा फॉरेंट नहीं, इन्वर्टर आराम से काम कर रहा है। अब फ्रेंड मैं इसे फ्रेंड यहाँ से इसकी प्लग निकल गई थी, मैं इसको प्लग को फिर से कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड ये रोटेट कर रहा है, अब फ्रेंड मैं इसको ऑफ करूँगा और देखिए हमने इसको पहले मोड पर चलाया, इसको हम दूसरे मोड पर चलाएंगे। ये देखिए गाइस बिल्कुल इजीली इसमें बिना कोई परेशानी के ये भी चल चुका है फ्रेंड, मतलब फ्रेंड इससे एक बात क्लियर हो चुकी है फ्रेंड, इसके ऊपर आप इंडक्टिव, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ फ्रेंड, इसके ऊपर आप इंडक्टिव कंडक्टिव रेजिस्टिव तीनों प्रकार के लोड चला सकते हो। मतलब फ्रेंड ये 200 वाट का जो आपका इन्वर्टर है फ्रेंड आपका सीलिंग फैन TV मोबाइल चार्जिंग और जो आपका छोटा हैंड ब्लेंडर होगा आपका जो टंगस्टन बल्ब होगा फ्रेंड ये सारे ही प्रकार के लोड इजीली चला देगा बिना कोई दिक्कत के। आई होप फ्रेंड आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड अगर आपको इन्वर्टर बाय करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे वहाँ से बाय कर सकते हो। ऑल इंडिया आपको डिलीवरी मिलेगी 7 डेज़ के अंदर, आपका ये इन्वर्टर आपके घर पर आ जाएगा। तो फ्रेंड अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।